किसान परेशान है, फसल को पानी नहीं दे पा रहा है। तो ये सरकार केवल कागज पे और किताबों पे ही जो बातें कर रही है वो कर रही है, धरातल पर उतर कर कोई काम नहीं कर रही। निकम्मी है जो सरकार, निकम्मी है वो सरकार, निकम्मी है हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष नगर निगम तक में पानी घुस रहा है, विधानसभा के अंदर पानी घुस जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विद्युत समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन कर रही है। नगर अध्यक्ष जो है उनके नेतृत्व में मध्यांचल जो कार्यालय है उसके बाहर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो गेट पर एकत्रित हुए हैं। इससे पहले एक ज्ञापन भी दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है अमित जी से ही बात करते हैं। आज अचानक कॉल होता है कि मध्यांचल के बाहर कांग्रेस धरना देगी, विरोध प्रदर्शन करेगी, मेमोरेंडम भी लेके आते हैं, आखिर क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम आप सब लोग जानते हैं अघोषित बिजली कटौती आज की तारीख में चल रही है। किसान परेशान है, फसल को पानी नहीं दे पा रहा है। नौजवान परेशान है, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। छात्र छात्राएं सब परेशान है। आने के लिए जो साधन होते हैं उसमें भी बिजली का बड़ा योगदान होता है और रोजमर्रा की जो जरूरत का सामान है वो भी महंगा हो रहा है। तो ये सरकार केवल कागज पे और किताबों पे ही जो बातें कर रही है वो कर रही है, धरातल पर उतर कर कोई काम नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी के लोग इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से MD साहब से कहा है कि इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, और अगर ये व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी के लोग निरंतर चरणबद्ध आंदोलन करके बिजली की व्यवस्था ठीक कराने के लिए इस सरकार को बिल्कुल लगातार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सदन में भी लगातार बिजली का मामला उठ रहा है। अब हम देख रहे हैं कांग्रेस ने सड़क पर भी उतर कर ये मामला जो है मुद्दा वो उठा दिया। देखिए कांग्रेस पार्टी जनता के हर मुद्दे को पहले अपनी बात रखती है, अगर इस सरकार नहीं चेतती है तो हम सड़क पर आते हैं। विपक्ष का यही रोल भी होना चाहिए कि जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर सार्थक प्रयास करे। कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे पर पहल कर रही है। आपने देखा होगा कोई भी मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, अभी कल हम लोगों ने महापौर को ज्ञापन दिया, उसमें हमने कहा कि ये जल भराव पूरे लखनऊ में नगर निगम तक में पानी घुस रहा है, विधानसभा के अंदर पानी घुस जा रहा है। भाजपा का मेयर है, ज्यादातर विधायक उनके हैं, सरकार उनकी है, रक्षा मंत्री जी यहीं से हैं। अब क्या और क्या लेना चाहते हैं लखनऊ की जनता से? एक आदिकाल से आपका मेयर चला आ रहा है और लखनऊ में पानी बरसता है तो एक ही दिन में कलई खुल जाती है। तो हर मुद्दे पे ये सरकार फेल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लोग जनता के साथ खड़े हैं और लगातार जनता के खिलाफ जो भी घटनाएं होंगी उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो चाहे सदन हो या सड़क, कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। हम इस समय मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के बाहर खड़े हुए हैं और साफ तौर पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता आज यहां सुबह अचानक पहुंच गए और जो प्रबंध निदेशक है उनको ज्ञापन दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, तमाम लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के साथ जो आमजन है उनके मुद्दे को हवा दी है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।